नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां नवजात की बेदर्दी से हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम के दरबार में दस्तक। बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र के स्थित गांव दाहा में कुछ अमानुष लोगों ने एक नवजात बच्ची को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में पीड़ित शिप्रा ने जिलाधिकारी के दरबार में दस्तक दी है। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। वहाँ उसके इनके पीछे होगा बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा है अच्छा शिप्रा जी, डीएम आवास पाए हो, क्या मामला है? सर, मेरी शादी 2020 में हुई थी फरवरी में, और सर मैंने 18 दिसंबर को अपनी बेटी को जन्म दिया था। मेरे ससुराल वालों को बेटी नहीं चाहिए थी, उनका मानना ही था कि हमें तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। जब मैंने बेटी को जन्म दिया, उनके घर में रोना धोना और मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि हमारे घर में लड़की पैदा तुमने क्यों की। तो 8 जनवरी की बात है जी, उन्होंने मेरी बेटी को, छोटी सी को, उठा के फेंक दिया और मौके पर ही उसकी हत्या हो गई। और हमने इस चीज़ को पुलिस के सामने भी रखा, जिला अध्यक्ष के पास भी गए, और जी हम एसपी सर के पास भी गए, यहाँ भी आए हैं। पर सर, जो आरोपी थे, दो को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, मेरी सास और ननद, उन पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मैं ये चाहती हूँ कि उन पर कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए, उन्हें सज़ा मिले। मेरी छोटी सी बच्ची को तो न्याय तभी मिलेगा। सर, मेरा मानना यही है कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, तो फिर प्रशासन पे से भरोसा तो उठेगा ही। सर, मेरा नाम जी यतेंद्र कुमार है। यतेंद्र जी, डीएम आवास पाए हो, क्या पूरा मामला है? मेरा गांव दाह है जी। हमने अपनी लड़की की शादी फरवरी में पिछले साल की थी जी, गांव बिनोली में। और ये गौरव पुत्र सुकरम पाल, गांव बिनोली, थाना बिनोली, इनके यहाँ पे शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही इन्होंने हमारी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे हमें पता लगा, हमने उसमें शादी में अपनी समर्थता से अलग बहुत पैसा भी लगा, लेकिन हमारी बच्ची दुखी नहीं रही, इसलिए हमने बीच बीच में उनकी जो डिमांड थी पूरी की। इसी बीच में उन्हें पता लग गया कि हमारी जो लड़की है उसका पैर भारी है, तो उन्होंने इसी बात को पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं, हमारे तो लड़कों की कमी है। तो ये तो जी हमारे भी हाथ में नहीं है, ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है, तो विज्ञान है इसका, हम क्या कर सकते हैं जी। तो दुर्भाग्य से हमारी लड़की ने लड़की को लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ जी। तो उन लोगों ने पैदा होते ही उनके घर में बहुत रो वराट हुई, खाने तक नहीं बना। मैं अपनी भतीजी को लेने गया वहाँ पे, तो मैंने कहा भाई कुछ दिन भेज दो, तो हम इसे भाई, इसके स्वास्थ्य भी ख़राब है, ठीक ठाक हो जाएगी, और तुम भी तंग हो थोड़ा, तुम्हारा भी दिमाग भाई अपने आप में ठीक हो जाएगा। मगर रोए क्यों तुम? कहने लगे भाई हमें लड़का चाहता, लड़की नहीं चाहिए थी। और जब मैंने कहा कि मैं तो लेकर जाऊंगा, उन्होंने कहा कि तुम 10 दिन बाद में आकर ले जाना। तो जी मेरे आने के 5 दिन बाद में ही उन्होंने हमारी जो लड़की है उसके 20 दिन की नवजात बच्ची को उठा कर पटक के मारा, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत होगी। हमने इस बारे में थाना बिनोली में भाई सूचना करी, वहाँ से पुलिस आई, बच्ची का, छोटी सी का, उसका पीएम हुआ, और पीएम होने में उसके सर में गंभीर चोट लगना बताया गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें जो हमने थाना अध्यक्ष को कहा कि इन पर कार्रवाई करें, तो थाना अध्यक्ष ने उस चीज़ को मतलब ज़्यादा ऐसा टाल मटोल करके रखा। बड़े दबाव से दो आदमी जो पिता पुत्र थे उन्हें जेल में भेजा, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त, जो लड़की की ननद है जिसने छोटी सी बच्ची को उठा के पटक के मार था, उस पे और उसकी माँ पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। मैं थाना अध्यक्ष से मिला कि आप कार्रवाई करें जी, उन्होंने कहा
भाई मैं देखूंगा, मैं इन्हें जेल में भेजूं कि नहीं भेजूं। हम चाहते हैं कि उन्हें जेल में भेजा जाए और हम मतलब हमारी जो लड़की है और हमें न्याय मिले। एक नवजात 20 दिन की बच्ची को पटक के मारना, ये भी हमारी मोदी सरकार का भी नारा है जी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे न तो बेटी बचने की तो पढ़ेंगी कहाँ से, अगर सबके बेटे बेटे हो जाएंगे बेटी नहीं होगी। अधिकारियों ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। हम एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने भी यही कहा भाई सबूत देख रहे हैं। अब जी सबूत एक महीना हो लिया, अब तक सबूत नहीं देखा, तो अब क्या, हमें तो भरोसा ही उठ गया जी हमें न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या कदम होगा आपका, क्या करेंगे आप? भाई जी अगर न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ पे भाई पूरा क्षेत्र आएगा, घेराव करेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे, जिला अधिकारी के भी यहाँ पे आके बैठेंगे।